जिसके संकल्प के आगे सब नतमस्तक हो जाते थे, जिन्होंने अपने सामर्थ्य के बलबूते तत्कालीन भारत के 526 छोटी रियासतों को मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पना की नींव रखी, ऐसे मजबूत अडिग और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। आइए जानते हैं सरदार पटेल से जुड़ी कहानियां। सन 1947 भारत के लिए बेहद ही खास वर्ष था। अंग्रेज देश छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए थे, चारों ओर खुशियां थीं और आजादी के महानायकों के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती हिमालय की तरह बांह फैलाए खड़ी थी। फ्रीडम फाइटर्स के सामने चैलेंज था देश भर की 526 छोटी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोकर एक राष्ट्र निर्माण करना। आखिर में महात्मा गांधी ने यह कठिन कार्य वल्लभ भाई पटेल को ही सौंप दिया। रियासतों की समस्या विकट जरूर है, पर आप इसे अकेले सुलझा सकते हैं, ऐसा महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा। आइए जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। इंडिया के आयरन मैन के जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए 31 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया। 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल लागत से बने इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण वल्लभ भाई पटेल के 143वीं जयंती 31 अक्टूबर 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाए गए। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में भारत सरकार ने एक विशालकाय मूर्ति का निर्माण करवाया। यह प्रतिमा सरदार पटेल के अदम्य साहस और राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक माना जाता है।